नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल श्रीमाली। हम बात करें वृष राशि पे राशिफल 2019 की, कंसोलिडेटेड राशिफल की। इस वर्ष के आरंभ में शनि आपकी राशि से एट्थ हाउस में है, अर्थात आपको 26 अक्टूबर 2017 से 24 जनवरी 2020 तक शनि का ढैया लगा रहेगा। शनि सीमाओं का, शनि दुख का प्रतीक है, अर्थात आपको अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स, हर चीज़ की लिंगन ऑन होना, एक के बाद दूसरी बात है, तीसरी चेन ऑफ प्रॉब्लम विदाउट एनी रीजन, फॉल्स एलिगेशन मतलब झूठे दोषारोपण, आपकी टांग खिंचाई, लेग पुलिंग, आपको टारगेट बना देना या साजिशों का शिकार करना, लीगल प्रॉब्लम्स होना, ये सब शनि के कार्य हैं, शनि के दुष्प्रभाव हैं, इससे आप ग्रसित हो सकते हैं, ये परिणाम आपको मिल सकते हैं। इसलिए आप शनि के दान, जाप, उपाय, जो कुछ भी कर सकते हैं वो निरंतर करने का प्रयास करते रहिए। बृहस्पति राशि से सेवंथ हाउस में है, राशि से सेवंथ हाउस सेकंड, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ और इलेवन, जब जब भी राशि से बृहस्पति होता है तब तब गेन देता है, अचीवमेंट देता है, प्रोग्रेस देता है, और जो विवाह से संबंधित परिणाम होते हैं वो सुखद होते हैं। तो बृहस्पति सबसे पहले आय को देख रहा है, अपनी पंचम दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहा है। इसका मतलब है वर्ष भर आपको सिर्फ एक महीना छोड़ दिया जाए, अप्रैल का महीना, तो वर्ष भर आपको 5 नवंबर 2019 तक बृहस्पति के वृश्चिक राशि में रहने तक गेन मिलता रहेगा, एप्रिसिएशन मिलता रहेगा, यश मिलता रहेगा। अर्थात आप जो भी एफर्ट करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, चाहे आप नौकरी पेशा हैं और चाहे आप बिजनेसमैन है, आपको गेन होता रहेगा, आपको अपनी मेहनत का फल अच्छा मिलता रहेगा। बृहस्पति लग्न को देखता है, लग्न का मतलब ही है आपका स्वभाव, लग्न का मतलब ही है जो आपको मिलने वाला है, निजी रूप से आपको मिलने वाला है। तो सुख और दुख व्यक्ति को खुद को मिलते हैं, जिससे कि वो फील करता है, जिसको चनमा कहा जाता है, चनमा दिल और दिमाग दो चीज़ को कंट्रोल करता है। तो अनुभूति भी हमेशा दिल से होती है, अनुभूति के बाद एक्शन रिएक्शन हमेशा दिमाग से होता है। तो जब आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे तो आप वर्ष भर प्रसन्न रहेंगे, आपको ग्रस्त सुख मिलता रहेगा, आपको संतान का सुख मिलता रहेगा, आपको स्वयं के अंदर कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, जो भी आप एफर्ट करेंगे उसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस से आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। यह वर्ष अनेकानेक खुशियों की सौगात लेकर के आने वाला है, उसके अंदर संतान सुख भी हो सकता है, और जिन व्यक्तियों की शादी नहीं हो पाई है, चाहे वो लड़की हैं लड़के हैं, उनकी शादी के संबंधित अच्छी खबर भी इस वर्ष उनको देखने को मिलेगी, उनकी शादी 2019 में पॉसिबल है। अब वही बृहस्पति कुंडली में थर्ड हाउस को देखता है, थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों का है, थर्ड हाउस आपके सबनेट्स का है, थर्ड हाउस बाहुबल का है, थर्ड हाउस गुडविल का है, और थर्ड हाउस का मतलब ये आपका स्ट्रेंथ, आपका फैलाव, आपकी जिम्मेदारी, या आप समाज को क्या दे सकते हैं उससे संबंधित। तो इस वर्ष उसमें भी आपको काफ़ी उन्नति प्रगति देखने को मिलने वाली है। सब मिला करके यह वर्ष आपके लिए काफ़ी बेटरमेंट लेकर के आया है, लेकिन अगला साल 2020 में आपके साथ में क्या होगा, इसका ट्रेलर आप 2019 के अप्रैल में देख पाएंगे, उसको देख करके आप सावधान हो जाइएगा। इस वर्ष फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम के साथ में वृद्धि होगी, हो सकता है जो भी आप संपत्ति चाहे सेल करें या परचेज करें, उसमें लिटिगेशन से संबंधित, उसमें कोई न कोई धोखे से संबंधित, उसमें फ्रॉड होने से संबंधित समस्या आ सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान होकर के आपको डीलिंग करनी पड़ेगी, और जहाँ तक हो सिर्फ मौखिक विश्वास पर नहीं रहें, आपको डील के लिए पेपर रेडी करके साइन करा कर ही आप अपने आप को कंप्लीट महसूस करें, अन्यथा आपके साथ में प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करते हैं सुख की। तो शनि की दृष्टि कुंडली में कुल 10th हाउस पर है, सेकंड हाउस पर है, और साथ ही साथ कुंडली में 5th हाउस पर है। शनि जहाँ पर देखता है वहाँ पर कुछ न कुछ समस्या करता है। तो थर्ड हाउस मतलब थर्ड दृष्टि से कुंडली में 10th हाउस को देखता है। जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका कार्यस्थल है, जो आपका कैरियर का एनवायरमेंट है, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ पर आपके साथ साजिशें हो सकती है, कोई न कोई चोट देने का प्रयास आपको किया जा सकता है। अब कुंडली में सेकंड हाउस का प्रॉपर्टी है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें, हो सकता है आपको स्टार्टिंग के 2-3 महीने बहुत अच्छा लाभ मिले और फिर आप कर्ज के जाल में फंस सकते हैं, अर्थात जो आपको अच्छा दिखाई दे रहा है वही आपके लिए प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए जो भी इन्वेस्टमेंट करें, शेयर का काम करें, कमोडिटी का काम करें, जो भी सट्टे में जो जातक इन्वॉल्व रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि शनि की 7th दृष्टि कुंडली में सेकेंड हाउस पर है।
तो सेकंड हाउस संपत्ति का भी है, तो इस वर्ष संपत्ति भी आप गेन करेंगे, संपत्ति बढ़ाएंगे, आपके बैंक बैलेंस में इंप्रूवमेंट आएगा, आपके निवेश फंड इन्वेस्टमेंट शेयर्स में इंप्रूवमेंट आएगा, डेवलपमेंट होगा और वो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ में कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है, इसलिए पेपर वर्क पूरा करके रखें। माता के सुख में वृद्धि होगी लेकिन पिता के स्वास्थ्य से संबंधित आपको चिंता होगी इस 2019 में। जो वृष राशि के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, और सिर्फ सिर्फ जो कानून के विद्यार्थी हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, और जो फाइनेंस से संबंधित कॉमर्स से रिलेटेड जो भी जातक हैं, चाहे वो कॉमर्स के अंदर कॉमर्स लिए ग्रेजुएट कर रहे हैं, फाइनेंस में MBA कर रहे हैं और कोई चीज़ से रिलेटेड हैं, तो उन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प मिलेगी बृहस्पति के कारण और शनि के कारण। लेकिन दूसरे जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो इतिहास से रिलेटेड हैं चाहे वो साइंस से रिलेटेड हैं, उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। और जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र का मतलब है मीडिया, शुक्र का मतलब फैशन एंड कॉस्मेटिक, जो भी डिज़ाइनर हैं जो भी इंटीरियर से रिलेटेड हैं वो भी जरूर राहत प्राप्त कर सकते हैं। 8th हाउस में शनि विराजमान है, शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव को बलवान बनाते हैं। 8th हाउस एक्सीडेंट्स का है, एक 8th हाउस जो भी अकस्मात दुर्घटनाएं होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, और शनि स्पेशली पाँव का अधिपति है, घुटनों के नीचे जो भी आपका शरीर का भाग है उससे संबंधित है और सर का प्रतिनिधि करता है, इसलिए सर में चोट लग सकती है, पाँव में चोट लग सकती है, वाहन से संबंधित दुर्घटनाएं हो सकती है, इसलिए शनि के ढैया रहने तक 24 जनवरी 2020 तक आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत सावधान रहना पड़ेगा। घर के सारे सदस्यों का सहयोग आपको इस वर्ष मिलेगा, चाहे वो माता पिता हो चाहे वो छोटे भाई बहन हो, और स्पेशली जो आपके घर में बड़े हैं उनका बहुत अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति सर्विस कर रहे हैं और वो ट्रांसफ़र के लिए टेंशन में हैं उनको जरूर अच्छी जगह पे ट्रांसफ़र आप मिल सकता है। सिर्फ अप्रैल महीने में आप कोई भी ऐसी ट्राई ऐसा कोई प्रयास नहीं करें वो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो 5 नवंबर 2019 तक आप जहाँ चाहते हैं वहाँ पर ट्रांसफ़र आपकी हो सकती है। जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हुआ हुआ है उनको इस वर्ष विवाह का सुख मिलेगा, संतान का सुख प्राप्त हो सकता है, और जो व्यक्ति प्लानिंग करके बिजनेस को एक्सपांशन करने की कोशिश कर रहे हैं वो 2019 में जरूर सफल होंगे। मैं आपको अगले कुछ दिनों में इस राशिफल से संबंधित सभी सेक्टर के बारे में बताता चला जाऊंगा, वो आपको नोट करके रखना पड़ेगा, और राशिफल के एंड में एक प्रश्न ऐसा होगा जो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फोटो खींच करके रख सकते हैं, उसमें डेट्स होगी कौन सी डेट्स आपके लिए अच्छी है, कौन सी डेट्स आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल निभानी है, उसको आप ध्यान रखेंगे। राशिफल का अर्थ आपकी ज़िंदगी में आभास से संबंधित है, संभावनाओं से रिलेटेड है। राशिफल का अर्थ ये नहीं है जो कुछ मैंने बोला है वो सब आपकी ज़िंदगी में ही घटित होने वाला है, ऐसा हो सकता है, संभावनाएं, और संभावनाओं को देखते हुए सावधानी रखिए तब आपको इन मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरी ऐसी कामना है कि 2019 आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत सुखद और बहुत उन्नति प्रदायक हो, आप अपने जीवन में सफल ही सफल होते चले जाएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।